किया गया है। और हाल ही में पाकिस्तान की एक फिल्म ढाई चाल का ट्रेलर यूट्यूब पर डाला गया। कहते हैं ये फिल्म कुलभूषण जाधव की कहानी पर आधारित है और इस फिल्म के जरिए से ये दिखाने की कोशिश की गई है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में आतंकवाद फैला रहा है। मतलब बड़ा ही मजाकिया है। ऐसी बहुत सारी चीजों को इस कहानी के जरिए से ये लोग कहने की कोशिश कर रहे हैं। उल्टा इल्जाम ये लोग हिंदुस्तान पर लगा रहे हैं अपनी फिल्म के जरिए से। पाकिस्तान एक टेररिस्ट मुल्क रहा है, साबित हो चुका है, कई वजहों से साबित हो चुका है। ओसामा बिन लादेन वहां पाया गया। ऐसे जाने जमाने की कितनी चीजें हैं जो ये साबित करती हैं कि पाकिस्तान एक आतंकवादी मुल्क है। हालांकि इस फिल्म के जरिए से उन लोगों ने ये साबित करने की कोशिश की है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में आतंकवाद फैला रहा है, बम विस्फोट कर रहा है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ये कोशिश है कि हिंदुस्तान को गलत दिखाया जाए सारी दुनिया के सामने, और शायद यही पहली कोशिश है। और मुझे लगता है जिस तरह से विवेक अग्निहोत्री की फिल्म आई है द कश्मीर फाइल्स, उसी का जवाब इन लोगों ने ढाई चाल के जरिए से देने की कोशिश की है। और ढाई चाल से ही पता चलता है कि ये लोगों की एक मानसिकता है, उस मानसिकता को इन लोगों ने इस फिल्म के जरिए से दर्शाया है, दर्शाया है। और इन लोगों ने इस फिल्म को डेडिकेट किया है पाकिस्तान के एक लेजेंडरी एक्टर को। देखिए फिल्म्स म्यूजिक मैं मानता हूँ कि इनकी कोई सरहदें नहीं होती, लेकिन अब सरहदें खींची जा रही हैं। और जिस तरह की फिल्म पाकिस्तान ने बनाई है, पाकिस्तान को शर्म आनी चाहिए कि इस तरह की फिल्म जो कपोल कल्पनाओं से भरी हुई है और एक सीधे साधे इंसान की जिंदगी को इन लोगों ने कोरा कोरा आतंकवाद साबित करने की कोशिश इस फिल्म के जरिए से की है। ट्रेलर को देखते हुए जहाँ तक लगता है बहुत ही लो बजट फिल्म है और टेक्निकली बहुत ही खामियां इस ट्रेलर में दिखाई देती हैं। खास तौर पर जब वो नारे लगाए जा रहे हैं और एक मोहतरमा जो माइक में आकर जो पत्रकार हैं शायद, और वो कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पीछे चार पांच लोग हैं जो बोर्ड्स लेके विरोध कर रहे हैं। बहुत ही लो बजट फिल्म है, तकनीकी रूप से बहुत कमज़ोर दिखाई दे रही है। पाकिस्तान को कहीं ना कहीं ये सोचना होगा जिस तरह की फिल्में वो बना रहे हैं या जो बनाना चाह रहे हैं और जिस फिल्म के जरिए से हिंदुस्तान पर आरोप लगाना चाह रहे हैं, वो कहीं से कहीं तक साबित नहीं हो पाएगा, क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में आतंकवाद पलता है और पाकिस्तान एक ऐसी पनाहगाह है टेररिस्ट के लिए जो पूरे दुनिया को सप्लाई करता है पाकिस्तान आतंकवादियों को। तो दोस्तों ये ट्रेलर जो है, अभी तो सिर्फ ट्रेलर ही देख पाए हैं, तो इसकी समीक्षा इसी तरह से की जाएगी, क्योंकि ये फिल्म नहीं है, ये एक प्रोपेगेंडा है हिंदुस्तान के खिलाफ, कश्मीर के खिलाफ, और मुझे लगता है कश्मीर फाइल्स के विरोध में भी कहीं ना कहीं इस तरह की ढाई चाल चलने की कोशिश की गई है। और ढाई चाल हमेशा वो व्यक्ति चलता है जिसका दिमाग भी ढाई होता है, मतलब आधा दो है और आधा, मतलब वो किसी और के दिमाग से चल रहा है। ढाई चाल का मतलब जो है जो पूरी चाल नहीं चल सकता, जो कहीं ना कहीं आधी चाल में जाकर रुक जाता है, दो चाल चलने के बाद एक आधी चाल और फिर रुक गया, मतलब ये लंगड़ी चाल जिसे कह लीजिए एक तरीके से, अगर ढाई चाल को दूसरे शब्दों में कहें तो ये लंगड़ी चाल है। और ये लंगड़ी चाल चलने वाली नहीं है पाकिस्तान की। जिस तरह की फिल्म इन्होंने बनाने की कोशिश की है और हिंदुस्तान के चेहरे पर कलंक पोतने की कोशिश की है, वो कभी भी इनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। एक चीज और बताता हूँ जो मुझे बड़ी ही अच्छी लगी इस फिल्म के जरिए से, कि इन लोगों ने हिंदुस्तान जिंदाबाद अखंड भारत अपने जबान से बोला है। इनने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे इस फिल्म में लगाए हैं। ऐसे सही जाए वैसे सही, हिंदुस्तान की जय बोलनी ही पड़ी इनको। और मैं कहता हूँ अंत में कि ये हिंदुस्तान की जय होकर रहेगी और पाकिस्तान की ये फिल्म, इसके मंसूबे, इस जिस तरह की ढाई चाल चलने की कोशिश इस फिल्म के जरिए से की गई है, वो किसी भी तरह से साकार नहीं हो पाएगी।